कोशिश ही नहीं। नवाज शरीफ जब सीएम थे और वो चाहते थे कि मरियम नवाज का एफएससी में एडमिशन कराया जाए, और फिर वहां पे कुछ मसले भी आए थे, एडमिशन नहीं हुआ और कुछ तबादले भी हुए, वो क्या स्टोरी थी? मीरा फेलबूस थी हमारी कनेड कॉलेज की। अच्छा। प्रिंसिपल, तो उन्होंने पहले तो एफएससी करना होता ना, उन्होंने दाखिले के लिए आई तो मीरा ने कहा कि जी आपके जो नंबर है वो इतने नहीं है हमारे पास, तो बड़ी लंबी फहरिस्त है ऐसे ख्वातीन की जो आपसे बहुत ज़्यादा नंबर ले चुकी, तो हम तो मेरिट पे फैसला करते हैं, आपको मैं सीट माजरत के साथ नहीं दे सकती। अच्छा। तो फिर उसने अपने वालिद से कहा, वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब नवाज शरीफ, कि देखे ये मीरा फेलबूस ने मुझे सीट ही नहीं दी, तो उन्होंने उनको मअतल कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे उनकी मजाल कैसे हुई कि उन्होंने मेरी बेटी को सीट नहीं दी, मअतल कर दिया, सारे स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर दी, मैं ओल्ड स्टूडेंट्स की सदर थी उस वक्त, हमने भी स्ट्राइक की, सब कॉलेज के साथ बिल्कुल कर दिया कतातल। फिर उनको समझ आई कि ये तो हम कर नहीं सकते, और मीरा फेलबूस को उन्होंने हटा दिया ना उनके ओहदे से, फिर उनको बहाल किया। फिर जब ये कबूल कर लिया फैसला उनको कि बेटी को नहीं ले सकते, तो फिर कॉलेज को ले। तो ये इस तरह की तो आज़ादी अफकार हो, ये हमारा बुनियादी हक है बिल्कुल, तो फिर मुल्क जो है